अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टेस्टिंग फेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, जो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में काउंट नहीं होता, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको हम अक्सर स्किप कर देते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट टू टेस्ट। टेस्ट क्या करना है? पहले हमने प्रॉब्लम होती है हमारे पास, देन वी गो थ्रू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, देन वी हैव मल्टीपल सोल्यूशन और उसमें से हम बेस्ट सोल्यूशन चूज कर लेते हैं, और बेस्ट सोल्यूशन जो होता है आफ्टरवर्ड्स हम उसको कन्वर्ट करते हैं एल्गोरिदम के अंदर। और जो एल्गोरिदम होता है, बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी नीड टू टेस्ट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू टेस्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ऑफन ओवरलुक। जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं वो अक्सर इसको अप्लाई नहीं करते, बट इट वेरीफाइज इफ द एल्गोरिदम इज़ वर्किंग एज डिज़ायर्ड। और इस वक्त अगर आप लोकेट और रेक्टिफाई कर लें, अपने सारे एरर्स करेक्ट कर लें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड इट विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स। कैसे करें टेस्टिंग, हाउ टू टेस्ट? एज यू नो एल्गोरिज्म इज़ अ पेपर वर्क, तो आपकी जो टेस्टिंग है वो भी आपकी डेस्क चेकिंग होगी, नॉट ऑन द कंप्यूटर बट ऑन द पेपर। आपने क्या करना है, पेन और पेपर के ऊपर अपना एल्गोरिज्म लिखना है, चाहे आप किसी नोटबुक पे लिख लें, राइटिंग पैड पे लिख लें, पेपर जरूरी नहीं है, वट एवर द थिंग अवेलेबल टू यू, आप एल्गोरिज्म लिखें और उसको वहीं पर ही चेक कर लें। होता कैसे है ये प्रोसेस, क्या करना होता है हमने डेस्क चेकिंग के अंदर? वी यूज टू ऑब्जर्व the working of algorithm through some test data। यहाँ आगे आप examples पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम algorithm की working किसी test data के through कैसे करते हैं, और test data क्या चीज़ होती है, ये देखते हैं next। For example, अगर आपका juicer ख़राब हो जाए जिसमें आप milkshake बनाते हैं, अगर आप उसको ठीक करवा लें तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? Obviously milkshake बना के, अगर तो बना दिया फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो ख़राब का ख़राब ही है। सिमिलरली अगर आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक करवाने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, कपड़े धो रही है कि नहीं, उस पर कपड़े डाल के चेक करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द एल्गोरिदम, तो हम उसमें देते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स टू चेक कि हमारा एल्गोरिदम ठीक काम कर रहा है कि नहीं। और वो कैसे पता लगेगा? उसकी आउटपुट चेक करके। और अगर आउटपुट ठीक होगी तो हम समझ आएंगे कि हमारा एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है जी, सब कुछ ओके है, दैट्स द बेस्ट एल्गोरिदम इन द वर्ल्ड। और हम करते क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी जो टेस्ट डेटा होता है उसमें हम वो वाली वैल्यूज़ या वो वाली इनपुट्स देते हैं जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि हमें आंसर का पता होगा तो ही हम उसको वैलिड या वेरीफाई करार देंगे ना। सो इफ़ आई एम गोइंग टू चेक कि मेरे दो नंबर ऐड करके वो आंसर ठीक दे रहा है कि नहीं, बट वी आई विल डू, मैं उसको 2 + 4 करके देखूँगी 6 आ रहा है कि नहीं, 400 + 100 करके देखूँगी 500 आ रहा है कि नहीं, दैट्स द थिंग। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, क्यों मार्केट में टेस्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस जगह के ऊपर अगर आप डिफेक्ट्स एंड एरर्स किसी को अपना प्रोग्राम अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले अगर आप उसके डिफेक्ट्स एंड एरर्स रिमूव कर देंगे, दैट वुड बी मोर नाइस ऑफ यू। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपके सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम्स पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर आपके बनाए हुए किसी सॉफ्टवेयर में कोई मसला मसाइल हो गए तो। सिमिलरली जब कार लॉन्च की जाती है, देन वी यूज़ टू, हम नहीं जो कार बनाने वाले होते हैं वो लोग, उसमें रोबोट बिठा के या उसको ऑटोमेटिक कोई काम करके उसको चेक करते हैं दीवार में मार के कि क्या उसका एयर बैग खुला कि नहीं, ठीक है, जस्ट टू चेक द एयर बैग, उसका सक्सेस या फेलियर या कार में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से वो रेक्टिफाई हो सकती है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज विच काइंड ऑफ टेस्ट डेटा वी कैन अप्लाई। द फर्स्ट वन इज वैलिड, सेकेंड इज इनवैलिड, बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स एंड एब्सेंट डेटा। लेट्स डिस्कस ऑल दीज वन बाई वन। वैलिड टेस्ट डेटा उसको कहते हैं जो आपसे प्रोग्राम मांग रहा है, जो इनपुट रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो एग्री करे, कंप्लाइज विद इनपुट रिक्वायरमेंट, जो आपसे मांगा जाए आप उसको दे दें, दैट इज़ नोन एज वैलिड टेस्ट डेटा। अगर एल्गोरिदम आपसे कह रहा है कोई वैल्यू एंटर करो बिटवीन 1 to 100 और आप उसको कोई वैल्यू दे दें 1 to 100, दैट इज़ वैलिड डेटा। द नेक्स्ट टाइप इज इनवैलिड टेस्ट डेटा।
विच डज नॉट कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्गोरिदम। अगर आपसे कह रहा वैल्यू एंटर करो 1 से लेके 100 तक, और आप उसको 1 से पहले या 100 के बाद की कोई वैल्यू दे दें, तो क्या होगा? दोज वैल्यूज आर इनवैलिड। और आपको क्या मिलेगा? एरर मैसेज। नहीं भी मिलेगा तो यू हैव टू सेट एन एरर मैसेज ओवर देयर। अगर कोई यूज़र 1 से पहले की या 100 के बाद की कोई वैल्यू एंटर करे, इट योर प्रोग्राम शुड गिव एन एरर मैसेज। नाउ द बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़, ये बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं फॉर टेस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम उसको 0 के लिए भी चेक करेंगे और बहुत ह्यूज अमाउंट दे के भी चेक करेंगे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? बाउंड्री वैल्यूज़। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। आपको पता है डेटा कैन बी अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक, तो इट इज़ वाइज टू चेक हाउ एल्गोरिदम रिस्पॉन्ड। अगर आप गलत डेटा देते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अगर तो करेक्टर रिक्वायर्ड है तो आप नंबर एंटर कर दें, या नंबर रिक्वायर्ड है आप करेक्टर एंटर कर दें और फिर देखें होता क्या आपके साथ। द नेक्स्ट इज एब्सेंट डेटा। लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। आपने उतनी चीज़ें एंटर नहीं की जितना सिस्टम आपसे रिक्वायर कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, NIC नंबर, यू नो NIC नंबर का एक फिक्स नंबर होता है, उसमें डैशेस भी आती हैं दो जगह पे। अगर हम पाकिस्तान के NIC नंबर की बात करें, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, हाँ, और या फिर लाइसेंस नंबर, इनका फिक्स पैटर्न होते हैं, फिक्स नंबर्स होते हैं। नंबर्स डिफरेंट होते हैं हर एक के, बट होते हैं नंबर ऑफ करेक्टर सेम होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने कम दे दिया तो इट विल गिव यू एरर।